इस कहानी को ध्यान से और कृपया आखिरी तक सुने, ये कहानी आपकी लाइफ बदल देगी। एक बार की बात है, एक सेमिनार हो रहा था, उसमें एक स्पीकर ने 2000 का नोट हवा में लहराते हुए कहा, कौन कौन इस कड़कड़ाते हुए नोट को लेना चाहेगा। तो वहां बैठे सभी लोगों ने हाथ खड़े कर दिए। फिर उस स्पीकर ने उस नोट को अपने मुट्ठी में लेकर मसल दिया। फिर वहां बैठे लोगों से पूछा, अब कौन कौन इसे लेना चाहेगा। अब भी सभी लोगों ने हाथ खड़े कर दिए। उस स्पीकर ने उस 2000 के नोट को पैरों तले कुचल दिया और मसल कर गंदा कर दिया। फिर स्पीकर ने वहां बैठे सभी लोगों से पूछा, क्या अब भी कोई इस गंदे नोट को लेना चाहेगा। फिर भी लगभग सभी लोगों ने हाथ खड़े कर दिए। इस कहानी से हमने बहुत ही कमाल की बात सीखी है। स्पीकर के इतने सब कुछ करने के बाद उस नोट की कीमत कम नहीं हुई। उस नोट की कीमत पहले 2000 रुपये थी, वह अब भी 2000 रुपये ही है। ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में भी बहुत बार हारते हैं, गिरते पड़ते रहते हैं, सभी जगह रिजेक्शन मिलने लग जाते हैं, तो हम ये क्यों सोच लेते हैं कि हमारी वैल्यू नहीं रही, हम किसी काम के नहीं रहे। कभी कभी ऐसा भी सोचने लग जाते हैं कि हम इस धरती पर बोझ के समान हैं। बीते हुए कल में या वर्तमान में या फिर भविष्य में हमारे साथ कुछ भी हो जाए, फिर भी एक बात याद रखना, हमारी वैल्यू हमसे कोई नहीं छीन सकता। इसलिए दोगुने एक्साइटमेंट के साथ लाइफ में आगे बढ़ो और दुनिया में कुछ ऐसे करके दिखाओ कि सारी दुनिया बस देखती रह जाए। पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ो और हर मैदान फतेह कर जाओ। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।